आज हम आए हुए हैं वेस्ट कामेंग बोमडिला पे, जहाँ हम जा रहे हैं देखने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज बोमडिला को। जो हमें खबर मिली है वो करीबन उनका कंस्ट्रक्शन और जितने भी फॉर्मेलिटीज़ है वो करीबन 30 ईयर्स से भी अबव हो चुका है। तो चलिए हम लोग सीधे वहाँ जाते हैं और आप सबको दिखाते हैं कि कंस्ट्रक्शन और अपडेट क्या है वो कॉलेज का। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं बोमडिला गवर्नमेंट कॉलेज पे, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं करीबन 20 रूम्स बनाया गया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है। और मैं बता दूं कि ये सिर्फ एक सेक्शन है और यहाँ पे और भी सेक्शन बनाया गया है। हम जाएंगे वहाँ, आप सबको दिखाएंगे। और एक बात मैं गौर में लाना चाहूँगी कि जो वेस्ट कामेंग हेडक्वार्टर बोमडिला है, वहाँ से करीबन 6 या 7 किलोमीटर पहले ये जो कॉलेज अभी नया कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है वो पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं सभी को बताना चाहूँगी कि हमें रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ के गाँव के लोगों ने करीबन 1987 को ये जो लैंड है डोनेट किया था गवर्नमेंट को। लेकिन हमारा सवाल ये भी रहेगा कि कंसर्न डिपार्टमेंट से कि अभी 30 ईयर्स अबव हो चुका है, क्यों ये जो गवर्नमेंट कॉलेज बोमडिला अभी तक बन के कम्प्लीट नहीं हुआ? क्योंकि अभी भी फिलहाल भी अभी जो गवर्नमेंट जो बोमडिला कॉलेज है वो मेन हेडक्वार्टर बोमडिला पे ही चल रहा है। चलिए तो आपको सीधा ले चलते हैं यहाँ के जो रूम्स है उनका कंडीशन कैसा है आप सबको दिखाते हैं। चलिए, ये एक रूम है, देखिए इसका हालत। मेरे ख्याल से ये जो रूम बनाया गया था वो क्लास रूम के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी यहाँ पे बस्ता ही रखा गया, यहाँ पे गंदगी है। तो अभी हम लोग सीधे दूसरे सेक्शन में आप सबको दिखाएंगे कि किस तरीके से काम चल रहा है यहाँ पे, और चल रहा है कि मैं नहीं चल रहा है, क्योंकि करीबन 30 साल हो चुके हैं और 30 साल हम कह सकते हैं कि ओवर टाइमिंग है, हद से ज़्यादा टाइम गवर्नमेंट या कंसर्न डिपार्टमेंट ने ले चुका है। चलिए जाते हैं। यहाँ से जो दो छतें देख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, वो यही कॉलेज का पार्ट है जो दो सेक्शन में डिवाइड है। यहाँ नीचे में ये जो दूसरा सेक्शन है जहाँ हम जा रहे हैं अभी, मैं बता दूं कि नीचे मेन रोड से अगर हम ऊपर भी आए तो रास्ता का हालत इतना ख़राब है कि जो छोटा गाड़ी या टू व्हीलर व्हीकल है वो नहीं उठ पाएंगे यहाँ तक। क्योंकि मैंने पहले बताया जैसे ये टॉप ऑफ द माउंटेन में पड़ता है ये जो सेक्शन बनाया जा रहा है, न्यू सेक्शन जो बोमडिला गवर्नमेंट कॉलेज है। अभी हम दूसरे सेक्शन में पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज बोमडिला लिखा गया है। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको गौर में लाना चाहूँगी, डेट ऑफ कम्प्लीशन जो लिखा हुआ 25 जुलाई 2018, बट आपको मैंने जैसे विजुअल्स दिखाया उसमें नहीं लगता है कि कंप्लीट भी हुआ होगा। तो यहाँ पे जो एजेंसी है वो जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो RWD है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो मैं बता दूँ कि ये समझ में नहीं आ रहा है, जब यहाँ के लोग, यहाँ के गांव के लोग जब 1987 को ही पूरा फॉर्मेलिटीज़ कर चुके थे तो गवर्नमेंट और कंसर्न डिपार्टमेंट को इतना समय क्यों लगा? 2017 को यहाँ दिखा रहा है जो डेट ऑफ सेंक्शन जो लिखा है, यहाँ में 27 फरवरी 2017 दिखा रहा है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है जब अराउंड लाइक 25 ईयर्स बीत जाने के बाद ही फंड सेंक्शन क्यों हुआ ये कंसर्न कॉलेज के लिए। पूरे सर्वे करने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉलेज है नया कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है वो करीबन 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ये अभी हम मिड सेक्शन में हैं, हमारे ये सेक्शन से 2 नीचे पे बना हुआ है और 1 ऊपर पे बनाया हुआ है। तो अभी हम सीधे चलेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट यहाँ के हेड से और जानने की कोशिश करेंगे वो कब तक कम्प्लीट करेंगे और नया सेक्शन कब से स्टार्ट होगा ये कॉलेज पे। सर, बहुत साल हो चुके हैं गवर्नमेंट कॉलेज बोमडिला, अभी तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, सर एज अ प्रिंसिपल आपको क्या कहना है? सर, गवर्नमेंट कॉलेज बोमडिला का एक बहुत ही लंबा कहानी है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। सबसे पहले ये जो गवर्नमेंट सेंक्शन हुआ था
न्यू कैंपस के लिए फॉर ये बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल हॉस्टल और दो तीन क्वार्टर बनाए वहाँ पर। तब 2006-07 में बनाया था ये। उसके बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो हो गया है, लेकिन वहाँ पे पानी का कनेक्शन और वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं हुआ है। तो डिपार्टमेंट का ये कहना है कि गवर्नमेंट से कोई पैसा उनको नहीं मिला फॉर वाटर कनेक्शन, गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मिला उनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए। तो इन द मीन टाइम कॉलेज अथॉरिटी उस बिल्डिंग को टेक ओवर नहीं कर पाया। तो 6-8 साल हो गया ऐसे ही पड़ा रहा वहाँ पे। थोड़ा सा दूर पड़ता है टाउन से, इसीलिए वहाँ पे कोई चौकीदार नहीं रहा कॉलेज के तरफ से। तो वहाँ चोरी वोरी होने लगा, खिड़की वगैरह तोड़ दिया और दरवाज़ा वगैरह चोरी हो गया। जब मैं 2014 अगस्त में डेरा नाटुंग कॉलेज से ट्रांसफ़र होकर के गवर्नमेंट कॉलेज बोमडिला में आया, तो सभी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स और जो ऑफिस स्टाफ हैं, उनका कहना है कि अभी आप बींग ए लोकल आप थोड़ा कोशिश कीजिए। तो मेरा तो ये कहना है कि जब मैं चार्ज लिया एज ए प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज बोमडिला के, तब मैंने सोचा कि अब सब सपोर्ट मिल रहा है। तो मैंने जापू साहब हमारा यहाँ का बोमडिला का MLA और DC साहब से मिल करके मीटिंग करके एक प्रपोजल बनाया, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया फर्दर क्या किया जाए इस कॉलेज को कैंपस, नया कैंपस डेवलप करने के लिए। तो 2014 ऑनवर्ड्स ये कोशिश जारी रहा है। और इन बिटवीन गवर्नमेंट के तरफ से भी जो डिलिपिटेड कंडीशन है, अंडर कंस्ट्रक्शन था एक एकेडमिक ब्लॉक, तो उनको भी उनका भी प्रपोजल बनाया, तब उनका भी पैसा आ गया, उसके लिए भी कंस्ट्रक्शन के लिए भी पैसा आ गया है। तो उन वो बिल्डिंग भी बनने लगा। इन द मीन टाइम रूसा के तरफ से भी पैसा आया, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी बना। 2017 लास्ट में ऐसा प्रपोजल बनाया कि क्या क्या ज़रूरी है, तो हम लोग ने प्रॉपर प्लान करके गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया कि वाटर सबसे पहले पानी कनेक्शन हो, एक्सटर्नल वाटर सप्लाई हो, दूसरा जो है एक्सटर्नल पावर सप्लाई हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड हो वहाँ पे, लाइब्रेरी बिल्डिंग हो और कॉलेज कैंटीन हो, कॉमर्स एंड ज्योग्राफी ब्लॉक हो वहाँ पे, और प्रिंसिपल क्वार्टर हो और Type 3, Type 4 ऑफिस स्टाफ के लिए हो। ये सभी 7-8 आइटम हम लोग ने प्रपोजल बना करके गवर्नमेंट को दिया। और एक सवाल था कि हमें रिपोर्ट मिली थी कि जो वो लैंड है वहाँ के गांव वालों ने करीबन 1987 को ही गवर्नमेंट को डोनेट किया था, जब गेहूं अपंग चीफ मिनिस्टर थे। तो अभी करीबन 30 हो चुका है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट देख ही रहा है ये गवर्नमेंट कॉलेज बनाने के लिए? बीच में ऐसा हुआ कि कोई भी मतलब सपोर्ट नहीं मिला, जैसे है जब मैं इस कॉलेज में टीचर था तो मेरे को भी लगता था कि बनना चाहिए कॉलेज नया कैंपस में। तो वांगो विलेज कम्युनिटी ने जो ज़मीन डोनेट किया था तो वो बहुत डिले हो गया बीच में, तो कोई भी मतलब इनिशिएट नहीं कर पाया। तो 2006 में मैं भी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया तेजू के लिए, फिर डेरा नाटुंग, फिर 2014 में ही काम शुरू हुआ है। तो अपडेट यही है कि जो भी अभी यहाँ जो मैंने बताया है वाटर सप्लाई ये सब हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि अगले सेशन 2020-21 में वहाँ जाने के लिए हम लोग प्लान कर रहा है। सर अभी जैसे हमने भी वहाँ पे जाके विजिट किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, देखा कि वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एक बोर्ड लगा था कि वहाँ पे जो सेंक्शन ऑफ डेट था करीबन 2017 का था, और उसका कंप्लीशन डेट दिया था और ईयर दिया था 2018 का। तो अभी 19 कम्प्लीट होने को आया है, तो सर आप एज अ प्रिंसिपल एश्योर कर रहे हो कि 2021 का सेशन वहाँ शुरू होगा, या एज ऐसे ही कह दे रहे हो क्योंकि इतना साल हो चुका है वहाँ पे, अभी तक हर साल एक वादा रहता है डिपार्टमेंट और आपकी यहाँ कंसर्न अथॉरिटी से कि अगले साल वहाँ सेशन स्टार्ट होगा, तो आप एज अ प्रिंसिपल ये एश्योर कर रहे हो कि आने वाला साल वहाँ पे सेशन स्टार्ट होगा, या ऐसे ही कह रहे हो सर? मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी है कि कंस्ट्रक्शन हो वहाँ पे,
प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो, प्रॉपर पानी का कनेक्शन हो, प्रॉपर बिल्डिंग बने, बच्चों के लिए सेफ हो, और हमारा नॉट ओनली बच्चों के लिए, हमारा फैकल्टी मेंबर्स और ऑफिस स्टाफ के लिए भी सेफ। तो जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक हम नहीं जा सकते वहाँ पे। और डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट जैसे कि अभी RW डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंट ने कहा है कि, कंस्ट्रक्शन एजेंसी ने कहा है कि विद इन 7-8 मंथ्स के अंदर में कम्प्लीट किया जाएगा। तो 2000 अभी तो हाफ सेशन ही है, अभी 8-9 महीना और है, तो मुझे लगता है कि 8-9 महीने के अंदर में अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह कंप्लीट हो जाए तो हम जरूर चाहेंगे कि नए कैंपस में जाने के लिए। अभी प्रेजेंट करंट पोजीशन ये है कि हमारा 450 स्टूडेंट्स है इस सेशन का, तो ज़्यादा वो क्लासरूम नहीं है बोल के नहीं है, हर क्लासेस कंफर्टेबली होता है, हमारा लाइब्रेरी कंफर्टेबल है, हमारा ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कंफर्टेबल है, तो कैंपस एज ए कैंपस बच्चों को लगता है कि ज़्यादा टाउन में होने के वजह से जहाँ पे हल्ला होते रहता है प्लस बच्चे फिसल जाते हैं इधर उधर, तो हमें लगता है कि प्रॉपर कैंपस होने से अगले साल में हम ठीक हो पाएंगे। अभी हमें गवर्नमेंट कॉलेज बोमडिला पे, जहाँ हमने यहाँ के प्रिंसिपल से बात की, जानने की कोशिश की कि वो जो न्यू कंस्ट्रक्शन कब तक कंप्लीट होगा, तो सर का यही कहना था कि सर का ट्रांसफ़र 2014 को हुआ, तब से सर ने ट्राई किया फैकल्टी मेंबर के साथ में और यहाँ के जो फॉर्मर MLA जापूदेरो के साथ में, और अभी सर कह रहे थे कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट वहाँ पे लगे हैं काम पे, उनका यही कहना है कि विद इन 7-8 मंथ्स ये जो कंस्ट्रक्शन, नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सर का यही कहना था कि ये जितने भी काम हैं ये कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न जो कंस्ट्रक्ट जो कंट्रैक्टर्स है उसके ऊपर निर्भर पड़ता है। प्रिंसिपल सर कहना था कि आने वाले सेशन 2020-21 में नया सेशन वो ट्राई करेंगे कि वो नया कैंपस में कॉलेज का सेशन स्टार्ट करें। मैं सांगे रोमा, कैमरा पर्सन रिचि देमा के साथ बोमडिला, अरुणाचल टुडे।